गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एंड्रॉयड स्टूडियो में आप जावा ऐप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, कल आप वर्कशॉप में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग जावा के प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। अभी तक आपने जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए आपने नोट पैड यूज किया था और डॉस पे जाकर आप क्या करते थे, रन कराते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको नीड है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जावा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कल के वर्कशॉप में आपने देखा था जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था और जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना था आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पे, जो आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, आज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जावा प्रोग्राम को आप कैसे एग्जीक्यूट कराओगे। राइट, तो सबसे पहले तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो क्या कर लेना होगा, इंस्टॉल कर लेना होगा। ये 900 MB का एक फाइल है एंड्रॉयड स्टूडियो, वो सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल करते समय आप सिस्टम को, लैपटॉप को नेट से कनेक्ट रखना, क्योंकि जितना भी उससे रिलेटेड जो SDK है, JDK जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका सारा लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप नेट से कनेक्ट नहीं रखेंगे सिस्टम को और डायरेक्ट अगर आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो मे भी हो सकता है कि कोई लाइब्रेरी API फाइल मिस कर जाए। इसलिए जब भी आप इंस्टॉल करें तो नेट से कनेक्ट रखेंगे। ठीक है, और इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, आप कैसे उसमें जावा प्रोग्राम को लिखिएगा और कैसे आप जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे, उस चीज को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो क्या कर लेना होगा, स्टार्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो एग्जीक्यूट करा रहा हूं। ठीक है, ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो। और आप याद रखिएगा, ठीक है, आप जो भी आप जावा का जो भी प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट कराएंगे, आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ही एग्जीक्यूट कराएंगे। थोड़ा सा स्टेप है यहाँ पे, ठीक है, उस स्टेप को हम लोग को सीखना होगा। अगर वो स्टेप्स को आप नहीं सीखेंगे तब तक आप वो जावा प्रोग्राम को आप इस एंड्रॉयड में एग्जीक्यूट नहीं करा पाओगे। ठीक है, और इसके बाद फिर सेकेंड फेज आता है कि फिर आप एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाएंगे, कैसे आप एग्जीक्यूट कराएंगे। पहले तो आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में जावा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो गया है एंड्रॉयड स्टूडियो। अब सबसे पहले इसमें आपको एक स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कैसे आप इसमें जावा प्रोजेक्ट बनाओगे। सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर न्यू, न्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, राइट, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा टेम्पलेट है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एंड्रॉयड ऐप नहीं बना रहे हैं, अभी हम लोग जावा के प्रोग्राम को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है नो एक्टिविटी, इसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दोगे। ठीक है, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, लर्निंग जावा नाम से मैं प्रोजेक्ट दे देता हूं या जावा लर्निंग, जावा अंडरस्कोर, जावा लर्निंग नाम का मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। ये पैकेज नेम होगा इसका।
कहाँ लोकेशन, कहाँ पे ये बनेगा ये प्रोजेक्ट, आपके सिस्टम में सी ड्राइव यूजर्स ये पाथ है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एंड्रॉयड ऐप जो हम लोग को वेब ऐप बनाना है वो जावा में सीखना है, तो जावा सिलेक्टेड होगा या कॉटलिन। तो आप कॉटलिन नहीं, आप एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जावा में सीख रहे हैं, जावा को यूज कर रहे हैं, तो जावा लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम SDK, ठीक है, यही आपका लाइब्रेरी API है, एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप। ये आपका, आपको मालूम होगा कि एंड्रॉयड का बहुत सारा वर्जन है, ठीक है। अब ये जो वर्जन सिलेक्ट किया गया है 5.0 लॉलीपॉप, ये 94.1 डिवाइस पे रन करेगा। अगर करेंट आप इसको ले लेंगे, यहाँ पे देखिए सारा SDK, मैंने क्या बोला था कि इंस्टॉल करते समय सारा एंड्रॉयड का API इंस्टॉल होना चाहिए, इसलिए आप, ठीक है, नेट से कनेक्ट रखेंगे सिस्टम को, तभी आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा। अगर मैंने ये करेंट वाला इंस्टॉल कर लिया एंड्रॉयड 12.0s, ठीक है, याद रखिएगा एंड्रॉयड का जो भी वर्जन आता है वो अल्फाबेट होता है सेंडिंग ऑर्डर में, तो एंड्रॉयड 12.0। अब देखिए तो ये जो करेंट वाला, जो बिल्कुल करेंट वाला अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1% ही डिवाइस पे वर्क करेगा, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अभी जो हम लोग सिलेक्ट किए थे उसी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप, राइट, ठीक है, जो 94.1% डिवाइस पे वर्क करेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फिनिश, ठीक है, फिनिश, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो फाइल में जाओगे, अभी जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पे ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट मैंने चेक किया था, देखिए सीमेज एंड्रॉयड नाम से बनाया था, जावा प्रोग्राम नाम से बनाया है, माई एप्लीकेशन नाम से बनाया है, लेकिन अभी कौन सा बनाया है, जावा लर्निंग। जावा लर्निंग को आप सिलेक्ट करोगे, ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये फाइल आपका ओपन हो गया। अब इसमें क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने प्रोजेक्ट को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट में आपको जावा के सारे लाइब्रेरी फाइल को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। ये प्रॉक्सी सेटिंग के लिए ओपन हो जाता है, आप इसको नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका न्यू, एक मिनट, मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप देखिए इस प्रोजेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐप में गया, ठीक है, चलिए ऐप में गया, अब मैंने फाइल में गया और न्यू, न्यू मॉड्यूल नहीं आ रहा है, इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट एंड्रॉयड पैकेज, ऐप सोर्स, मैंने इसको इसको मैंने पहले क्लोज कर दिया, ठीक है, दो प्रोजेक्ट ओपन था उसके कारण से मैं भी नहीं आ रहा। अब जाइए तो फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो मेरा ओपन है, इंपोर्ट मॉड्यूल,
हाँ अभी आया, ठीक है, ये चीज आना चाहिए। देखिए ये न्यू मॉड्यूल, ये न्यू मॉड्यूल आना चाहिए। वो न्यू मॉड्यूल नहीं आ रहा था, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा था वो देखिए। मैंने अगर मान ली कि यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ऐप पर सिलेक्ट नहीं था इसके कारण से, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जावा लर्निंग हमारा सिलेक्टेड है, फाइल में जाओगे, न्यू, और ये चीज आना चाहिए आपको, न्यू मॉड्यूल, ठीक है। तो न्यू मॉड्यूल, मैंने न्यू मॉड्यूल पे क्लिक किया, न्यू मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए है ना, जावा और कॉटलिन लाइब्रेरी, जावा एंड कॉटलिन, ठीक है, जावा या कॉटलिन दोनों का लाइब्रेरी है। यहाँ पे लाइब्रेरी का जो भी नाम देना है, लाइब्रेरी का नाम दे दीजिए। मैंने नाम दे दिया जावा प्रोग्राम्स, जावा, राइट, जावा प्रोग्राम्स, ये पैकेज का नाम है। क्लास का नाम दो जो भी देना चाहते हैं आप, फर्स्ट क्लास का नाम दे दीजिए, माई क्लास भी दे सकते हैं, या वेलकम नाम से भी क्लास दे सकते हैं, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज तो हम लोग को जावा ही सिलेक्ट करना है, यहाँ से जावा या कॉटलिन, तो जावा ही सिलेक्ट करोगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, राइट। ठीक है, ये प्रॉक्सी का बार बार मैसेज आ जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ, प्रॉक्सी सेटिंग, चलिए ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप इस प्रोजेक्ट में जाइए, जावा लर्निंग प्रोजेक्ट में जाइए, और एक मिनट, प्रोजेक्ट में गए और देखिए जावा प्रोग्राम्स आ गया, यहाँ पे आ गया जावा प्रोग्राम्स जो लाइब्रेरी मैंने बनाया था। देखिए यहाँ पे आपका ये फाइल है वेलकम, ये चीज वेलकम है। अब यहाँ पे इसको आप क्लिक कीजिए, इस फाइल को ओपन करना होगा। देखिए यहाँ पे पब्लिक क्लास वेलकम, और यहाँ पे ये क्लास हो गया वेलकम डॉट जावा। इसी के अंदर हम लोग को जावा प्रोग्राम को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। आप पहले से ही जानते हैं कैसे जावा में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। मैंने एक मेन मेथड लिखा, PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, PSVM, राइट। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वेलकम टू एंड्रॉयड वर्कशॉप, वेलकम टू एंड्रॉयड वर्कशॉप, वर्कशॉप, राइट, ये प्रोग्राम आ गया। लेकिन अभी आप यहां पर देख रहे हो कि यहाँ ऐप है, अभी तो हम लोग ऐप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऐप अभी हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आना चाहिए प्रोग्राम। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को जाना होगा रन में, ठीक है, रन में जाना होगा आपको, और रन में जाने के बाद रन में यहाँ पे जाओ, ठीक है, एक एक स्टेप देखते जाना, कुछ स्टेप्स है यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एडिट कॉन्फ़िगरेशंस, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे, ठीक है, एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इस प्लस बटन पे जाओगे। कहाँ पे जाएंगे, अभी प्लस बटन पे, ये ऐप है, अभी तो ऐप हम लोग बना नहीं रहे, जब ऐप बनाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, प्लस बटन पे क्लिक करोगे, और प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं एप्लीकेशन पे, ये हमारा एप्लीकेशन है, ध्यान देना, कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन पे, ठीक है। और इस एप्लीकेशन का जो भी नाम आप देना चाहते हैं नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया कोर जावा, कोर जावा, राइट। और कोर जावा में जाने के बाद यहां से आपको मॉड्यूल को स्पेसिफाई करना होगा, मॉड्यूल सिलेक्ट करना होगा, दे रहा है ना, मॉड्यूल नॉट स्पेसिफाइड,
तो यहां से मॉड्यूल को सिलेक्ट करना होगा। तो मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, यहां से देखो ये ऑप्शन, इस पे क्लिक करो और देखो अभी तुम क्या बनाए थे, जावा लर्निंग्स, यही ना बनाए हो, जावा लर्निंग्स डॉट जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट करोगे, जावा 11 SDK ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। और अभी देखो अभी यहाँ पर देख रहा है एरर में क्या दे रहा है, नो मेन क्लास स्पेसिफाइड। यहाँ से मेन क्लास जो आपने बनाया है, मेन क्लास किसको कहते हैं, जिसमें जावा का मेन मेथड डिफाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, देखो आ गया। अभी क्लास का नाम क्या दिए थे आप, वेलकम, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, वेलकम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, अप्लाई अप्लाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके। देखो अब यहाँ चेंज हो गया, पहले ऐप था, अब क्या आ गया यहाँ पर, कोर जावा, क्या आ गया यहाँ पे, कोर जावा। अब आप इसको रन करा सकते हो, ठीक है, आप इसको रन कराइए। अब ये रन करेगा, रन रन में मैंने यहाँ पे रन कोर जावा, ठीक है, आप देखिएगा आउटपुट आएगा, मैसेज क्या आएगा, वेलकम टू एंड्रॉइड वर्कशॉप। मैंने आज भी बहुत सारा मैसेज दिया, मैसेज देखा वो जो टेलीग्राम पे कि सर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, डॉस प्रॉम्प्ट से तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं बता दिया। ये आउटपुट देख लो तुम, ये देखिए आउटपुट आया, आउटपुट आया, वेलकम टू एंड्रॉइड वर्कशॉप आया, यही मैसेज है, वेलकम टू एंड्रॉइड वर्कशॉप, राइट। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मान लो कि आप दूसरा प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, बस यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और देखो यहाँ पे न्यू में जाओगे और यहाँ पर देखो है जावा क्लास, कोटलिन तो आप नहीं पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, तो जावा क्लास दे दिया मैंने, क्लास का नाम मान लो कि मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट, स्टूडेंट, राइट, इंटर प्रेस करो, अब यहाँ क्या बन गया, स्टूडेंट डॉट जावा। अब यहाँ पे प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ, एक सिंपल प्रोग्राम, मान लो कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करना है या नेम इनपुट करना है, ठीक है, रन टाइम, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, राइट। स्कैनर क्लास से तुम इनपुट, जावा में चार तरह से हम लोग इनपुट ले सकते हैं, स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट ले सकते हो, डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू इनपुट ले सकते हो, बफर रीडर के थ्रू इनपुट ले सकते हो, कंसोल के थ्रू इनपुट ले सकते हो, तो स्कैनर क्लास से ले लेता हूं, स्कैनर एसी इक्वल टू न्यू स्कैनर, राइट, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, क्लियर है, ठीक है। और तुम जानते हो किस पैकेज में अवेलेबल है, यूटिल पैकेज में, तो पैकेज इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर। अब यहां पे हम लोग रन टाइम इनपुट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मैंने एक मैसेज दे दिया, इंटर रोल नंबर एंड नेम, इंटर रोल नंबर एंड नेम, राइट, ठीक है। अब यहां पे रोल नंबर इक्वल टू एसी डॉट, कौन सा मेथड होता है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट दे दिया, स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए नेम डॉट नेक्स्ट, राइट,
स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। और एक चीज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन छूट गया है, उसके अंदर कोडिंग लिखो जावा का मेन मेथड के अंदर अभी PSVM, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्रिंट करा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे रोल नंबर इक्वल टू प्लस रोल नंबर प्लस बैक स्लैश एन नेम इक्वल टू प्लस नेम, ठीक है, राइट। अब एक का क्लोजिंग होगा, प्रोग्राम हमारा रेडी है, ठीक है। वैसे ये कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ये आईडी में इससे कोई दिक्कत नहीं, अंडरलाइन से ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अंडरलाइन है तो एरर है, नॉट बीन इनिशियलाइज, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे इनिशियलाइज भी कर लोगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। अब चलो, अब इसको हम लोग को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराना है तो अभी हमारा मेन क्लास स्टार्टअप कौन सा है, स्टार्टअप अब बनाना होगा, अभी रन करेंगे तो अभी तो हमारा कौन सा प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है, कोर जावा ही, जो तुम ऐप का नाम दिए थे कोर जावा, ठीक है, अभी हमारा कौन सा प्रोग्राम रन करेगा वो चीज तुम देखो, रन कोर जावा, अभी तुम्हारा जो पहले वाला प्रोग्राम था वो रन करेगा, देखो वेलकम, अच्छा ये करेंट सिलेक्टेड था, ठीक है, क्या दिया, एरर दिया नेम डॉट नेक्स्ट, वेरिएबल नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी, यहां पे नेम इक्वल टू ना होगा, नेम इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब तुम रन कराओ, रन, ठीक है, रन कोड जावा, ठीक है, रन कोड जावा, लेकिन यहां पे अभी देख रहे हो कि आउटपुट क्या आया, वेलकम टू एंड्रॉइड वर्कशॉप, यानी पहले वाला ही ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वेलकम डॉट जावा, लेकिन अब मुझे किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, स्टूडेंट डॉट जावा। तो तुमको मैंने अभी क्या बोला था, स्टार्टअप बनाने के लिए तो रन में जाओगे और फिर जाओगे एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में जाने के बाद फिर तुम यहाँ से सिलेक्ट करोगे, देखो अब यहाँ से सिलेक्ट करोगे किस को, स्टूडेंट को, ये सिलेक्ट होगा, राइट, स्टूडेंट हो गया सिलेक्टेड, यहाँ पे अप्लाई करोगे, अब ओके करो, अब हम लोग इसको रन कराते हैं, रन यहां से भी रन करा सकते हो, रन कोर जावा विथ कवरेज, पूरे एरिया को कवर करेगा, देखना नीचे में, ये नीचे में देख रहे हो पूरे एरिया को तुम्हारा कवर कर रहा है। पूछा यहां पर नीचे में देखो, इंटर रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर मैंने क्या इंटर किया 100, नेम इंटर किया नीरज, नीरज, आउटपुट देखिए, रोल नंबर इक्वल टू 100, नेम इक्वल टू नीरज, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसका प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो आप अब आप सीख चुके हैं, ठीक है, कि एंड्रॉइड स्टूडियो में आप जावा प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। और कल के क्लास में आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था, मैंने भी क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या किया था, कल के क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। और ये सबसे पहले इतना आप लोग आज ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको आज अगर ये कंप्लीट कर लेंगे तो कल के क्लास में आप आगे सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।